हेलो फ्रेंड्स, राबिस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ कल्पना और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसे अगर आपने एक बार बनाया तो आप इसे ज़रूर, यकीन मानिए, इसे आप बार बार बनाकर खाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले गाइस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम के बराबर हरी मिर्ची ली है जिसे मैं 3 हिस्सों में कट कर रही हूँ और ये डंडी वाला भाग में निकाल दे रही हूँ और यहाँ देखिए मैं स्लाइड लगा दे रही हूँ इसके अंदर ताकि ये अच्छे आसानी से तल सकें। और अब हम यहाँ इनको सबको अच्छे से कट कर लेंगे। गाइस इस समय सब्ज़ियाँ आ नहीं रही हैं और जो सब्ज़ियाँ आ रही हैं वो सिर्फ गिनी चुनी सब्ज़ियाँ हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार इस हरी मिर्ची को थोड़ा अलग तरीके से ट्राई करके देखा जाए। तो फ्रेंड्स मैंने ये सब हरी मिर्चियाँ अच्छे से कट कर ली हैं। ये देखिए अब मैंने सब भी डंडियाँ भी सब निकाल दी हैं ताकि जो हम जब फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से तल जाए। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें तेल लिया है और तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा नहीं लिया है। तेल अगर आपको ऐसा लगता है कम है तो आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच स्पून जीरा और 1 चम्मच राई डाल दी है। राई और जीरे का जो फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। 1/2 चम्मच मैंने इसमें हींग डाली है क्योंकि यहाँ मेरे पास जो हींग थी वो स्ट्रॉन्ग वाली नहीं थी तो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। और अब हम इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया और नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके मैं इसे ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जब हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे तो इसमें जब हम दूसरे मसाले डालेंगे तो वो और अच्छे से इसमें पक जाएंगे। तो गाइस ये हमारी रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए थोड़ी फ्राई होना शुरू हो गई है। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें 3 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ और बेसन ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत टेस्टी बन जाती है। ये बेसन को भी हमें अच्छे से थोड़ा भून लेना है क्योंकि इसमें जो बेसन हम ऊपर से डाल रहे हैं तो इसकी कच्ची की फ्लेम खुशबू आ सकती है तो वो ना आए, इसीलिए हम इसे थोड़ा अच्छे से भूनेंगे। बेसन भी हमारा अच्छे से भून गया है। अब यहाँ हम कुछ खास इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं जो इसके फ्लेवर को और बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसमें जो डाल रही हूँ वो भी मैं आपको के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच सौंफ पाउडर और यहाँ देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें 1 काला नमक थोड़ा सा जो इसके फ्लेवर को और इन सभी के फ्लेवर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देगा। यहाँ मैं 1 चम्मच इसमें शक्कर भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने इसमें 1 चम्मच शक्कर ऐड कर ली है। शक्कर डालने से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसमें थोड़ा सा 1/2 कटा हुआ नींबू उन्हें ऐड कर लेंगे ताकि इसमें जो खटास है वो भी आ जाएगी। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल बंद। अब ये देखिए बिल्कुल हमारी हरी मिर्ची बिल्कुल बन के तैयार हो गई। बहुत ही टेस्टी लगती है। इसका जो खट्टा मीठा फ्लेवर है क्योंकि हमने इसमें शक्कर भी डाली है, नींबू भी डाला है, अमचूर भी डाला है तो इससे फ्लेवर इसका बहुत बढ़ जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे जब हम खाते हैं ना तो एक नहीं चार रोटियां इसके साथ खाई जा सकती हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने इसे कर लिया है दूसरे बाउल में शिफ्ट और ये देखिए कितनी टेस्टी और कितनी प्यारी दिख रही है। चलिए फ्रेंड्स अब हम इस रेसिपी को तो मैंने बना लिया है, आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।